दो दिन से आपको पता है कि ईस्ट में हम लोगों ने लंगर लगाया था उधर ओल्ड गोवा चर्च में, तो लोग वहाँ पे कुछ कारणों करके हमने लंगर थोड़ा बंद किया था। तो जो हमें कॉल आया था कि ओल्ड गोवा पुलिस से कॉल आया था कि आप कोई कंप्लेंट हुआ है ये करके कि आप लंगर बंद करो, उस इशू पे हमें खुद नहीं पता था, हमारे रिटर्न कुछ नहीं मिला कि क्यों बंद किया ये किया, खाली हमको बोला कि आप लंगर बंद कर दो कि कोई कंप्लेंट आई है। तो लोगों को लोग ना ये हमें कॉल कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि लोग हमारे मुंह से ये सच्चाई सुनना चाहते थे कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का चर्च की मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, गोवा पुलिस के ऊपर, और लोग हमारे को कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं कि उस दिन आपके मुँह से, एक्चुअली उस दिन हमने लंगर चालू किया था पहले दिन, तो हम तो पहले प्रशासन का थैंक बोलते हैं कि उन्होंने हमारे को परमिशन दिया कि आप लोग, हम सबसे पहले ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन में गए और हमने उनसे अपना जो लंगर का ये था हमने बताया, लोगों को बताया कि हम लोग ऐसे करके ईस्ट पे हम लोग लंगर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ में बहुत टाइम से ये कुछ लोग हमारे कैथलिक फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि इस बार हम लोग लंगर आप इधर करो, हम आपका सहयोग देते हैं। तो उसी लिए हम लोग उधर पहुँचे थे, हमने इससे PI साहब के पास गए, उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है तो आप करो, हम लोगों ने वो करने के लिए वहाँ पे लंगर चालू किया। लंगर चालू करने के बाद पहला दिन 27 को बहुत अच्छा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बाद में हमने सेकंड तक हम लोगों ने पुलिस पूछा कि सर हम लोग थर्ड है, हम लंगर करना चाहते हैं, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कंटिन्यू दो से हम लोग रात से शाम से 2 तारीख को शाम से कंटिन्यू हमने अपना खाना बनाया पूरा जो था, हम बिल्कुल खुशी खुशी हमने वो पूरा प्रबंध अपना किया। तो हम लोगों ने 8-10 हज़ार लोगों का खाना फूड कुक किया। तो बाद में हमारे को 5 बजे हमने चालू किया ब्रेकफास्ट, बाद में हमारे को 9:30 बजे कॉल आता है कि आपको कोई कंप्लेंट किया है किसी ने, आप लंगर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में हमारे को, हम लोग 10-15 मिनट में देखा तो पहले तो हमारा बहुत मतलब दिमाग ऐसा इमोशनल जैसा हो गया कि हमारे साथ ये क्या हो गया। बाद में हमारे को रिटर्न में किसी ने कुछ बोला नहीं कि लंगर क्यों बंद कर रहे हैं, ना हमें पता है कि क्यों करवाया जा रहा है, ना किसी ने बोला कि किस रीज़न के लिए बंद किया जा रहा है। तो हमें, हम तो यही गवर्नमेंट से, तो हमें तो पता नहीं इसमें कौन इन्वॉल्व है, हमें तो कुछ जानकारी नहीं क्या हुआ, तो ना हमारे को किसी ने बताया। हम तो यही, हमारा तो लोगों से आप यही लोग कॉल करके पूछ रहे कि आप ये बोलो, सच्चाई बोलो, क्या हुआ था किसने। तो हमें तो वही डिमांड है कि हम सरकार से ये या पुलिस प्रशासन से, यही हमारी डिमांड है कि हमारे को एक्चुअली रीज़न दिया जाए क्यों बंद किया, किसने कंप्लेंट किया, हमारे को उस आदमी का चेहरा तो सामने, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, हमारा जो हौसला है ना फर्स्ट वेव से लेके किसी ने बंद नहीं किया, सेकंड वेव जब हॉस्पिटलों में जाके हमारे बंदे रिस्क ले लेके जा रहे थे तभी किसी ने बंद नहीं किया, जब भी हम लोग और भी सोशल काम करते हैं किसी ने बंद नहीं किया, हमारे को यही सुनना है कि क्यों बंद किया, हमारे को रीज़न क्या, कोई तो रीज़न होगा ना। FT वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, पुलिस वाले को पूछा हमने, वो बोलते हैं कि वो लोग नाम मतलब बताना नहीं चाहते। हमें यही चाहिए कि हमारा ये इंसाफ चाहिए कि क्यों बंद किया, किस रीजन से बंद किया। देखिए ट्रैफिक वाले कुछ नहीं है कि ट्रैफिक तो पार्किंग लॉट में था, कोई वहाँ पे ट्रैफिक का इशू नहीं किया, हम लोग ज़्यादा क्राउड भी नहीं कर रहे थे, ट्रैफिक उधर पूरे मेंटेन हो रहा था, हम खुद गाड़ियों की पार्किंग, जेकर प्रॉब्लम होती थी खुद गाड़ियों की पार्किंग लगाते, पूरा हमारी टीम काम कर रही थी, लाइन में करा रही थी। हमें यही नहीं पता लग रहा था कि हमें तो यही है, अभी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए कि किस बंदे ने कंप्लेंट किया, क्यों किया, किस मतलब किस टॉपिक के आधार पर हमारा लंगर बंद किया। हम तो सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरा प्रॉपर फॉलो करते हैं, हमारा पूरा हाइजीन होता है, कोई काम नहीं है, सब आपने देखा होगा, सब ग्लव डाल के पूरा, कोई ऐसा नहीं है, धूल मिट्टी हमने पूरा कवर करके रखा था पूरा। मुझे लगता नहीं कि हमें, बस यही है कि क्यों बंद किया, वही रीज़न चाहिए। PI ने जब वो बंद किया था, जब आपको बंद करने को बोला था, उन्होंने कुछ नहीं बोला था कि किसने किया है और क्यों किया है वो। PI साहब जब भी आए तो उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने मेरे को साइड में ले जाके बोला कि ऊपर से बहुत प्रेशर आप लोगों का, क्योंकि PI सर के पास जब भी हम लोग गए, जब भी हमको वहाँ करना था तो PI सर ने ही हमको परमिशन दी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उन्होंने हम लोग को अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि आप जाओ वहाँ पे लगाओ, जहाँ आपको प्रॉपर्टी चाहिए आप हम वहाँ देते हैं। तो जब भी उनको, तब ये नहीं पता था कि हम फ्री लगा रहे हैं, उन्होंने सर स्टॉल लगा रहे हैं। तो जब उनको फ्री बोला तो उन्होंने बोला कि आप फ्री पे लगा रहे हो तो आपको पार्किंग पे देते हैं हम लोग, क्योंकि आपके पास फ्री है तो वहाँ पे क्राउड बहुत हो जाएगा। उन्होंने खुद परमिशन दिया
और उसके बाद जब भी उन्होंने बंद करने का आया तो उन्होंने मेरे को बोला आप लोग ऊपर से प्रेशर है हमको आप लोगों का लंगर बंद करवाने के लिए। और इसमें उन्होंने ये भी तक बोला कि यहाँ पे कोई फूड का या किसी का कोई दबाव नहीं है, उनको ऊपर से प्रेशर, और ये अभी है कि ऊपर से उनको किस चीज़ का प्रेशर आ रहा है वो हमको पता करना है। ऊपर से बोला गया है, यानी ये ऊपर बोलेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से होता ना, ऊपर बोलेंगे तो जब एक अधिकारी गवर्नमेंट अधिकारी वो हमारे को पता नहीं है। देखो हमारे तो हमको देखो हम तो लोकल नहीं है, हमारे को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, वोट बैंक नहीं बढ़ाना है, हम तो एक समाज सेवा के नाम पे काम कर रहे हैं। आप हम लोग बहुत अनाथ आश्रम में अभी भी जा रहे हैं, कंटिन्यू काम चल रहा है, ब्लड कैंप कराते हैं हम लोगों का इलाज कराते हैं, GMC में लोगों का जो बिल बाहर के लोग हैं उनका बिल पे करने जाते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम होती है छोटे मोटे काम हम ये अपनी तरफ से करते हैं, ना कि हम लोग किसी से, पहली बात तो हमारा किसी से डोनेशन नहीं मांगते हैं। जेकर पहले लॉकडाउन में सेकंड लॉकडाउन पे हमारा आप मैसेज देख सकते हो, हमने किसी से पैसा हमने डिमांड ही नहीं करते, हम तो सीधा बोलते थे ग्रोसरी में। इस बार इन्होंने लोगों ने हमारे कैथलिक लोग ब्रदर उन्होंने बोला कि हम लोग आपके साथ मिलकर कैसा आप लोग काम करते हो, क्योंकि बल्क में हमारे से खाना बनाने को नहीं होता, हम आपकी सपोर्ट करते हैं जितना होता, हम ग्रोसरी आपको ला के देते कुछ डालो, ऐसे ही हम लोगों ने ऐसे ही किया कि कुछ हम इन्होंने ला के दिया कुछ हमने डाला अपना ग्रोसरी मटेरियल जो ला के तो खाना चालू किया। अरे तो तू हालत कार्डिनल है नाव कितरी तिंग काड़े मुंटा तो काम चलता कितने जाला पे फुड़े फुड़े आता कितने जाला एडमिनिस्ट्रेशन आपणक जाय ते भशेन सांगता आसतले ते कसले कारणाक लागून ते सांगूंक सोदताले। आमी कार्डिनलाचेर कांयच एगेन्स्ट उलोवपाचे ना, कित्याक आय डोंट सी एनी रिझन वाय ही शूड बी ब्रॉट इन टू द पिक्चर, बट देन द रिझन वाय वी हॅव वी थॉट ऑफ हॅविंग दीस प्रेस कॉन्फरन्स इज टू क्लॅरिफाय करचे की जे पण मिडियन चलता सोशल मिडियन चलता की कार्डिनलान हेजेर स्टेटमेंट दिवचो हेजें क्लॅरिफिकेशन दिवचें म्हणून, तर आमकां दिसना की ताणें क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय म्हणून। देर वॉज नो रिझन फॉर द कार्डिनल टू कम एन्ड से एनीथींग इवन दो इट इट वॉज डन फॉर द फीस्ट। सो हें म्हाका दिसता एक अशें एक स्प्रेड जालेलें आसा कार्डिनलाचेर। And he was very happy that we are doing the Goa Secute Langar. The priest of Old Goa. Father Patricio. Mm. He was very happy. And we don't know who has actually complained to the higher-ups to remove our Langar. And we need justice for that. Madam, that day when we came to take your bite, that time you directly allegation you have done Harpreet Singh, you took the name of the Harpreet Singh. Not Harpreet Singh, Mr. Yeah. Harvinder Singh. Ah, Harvinder Singh, sorry, Harvinder Singh. So that time you told us that Harvinder Singh has been... But actually we don't have any proof that he has done it. But even though if he has said anything against us, the police have to clarify regarding the same. That this fellow... Mr. Harvinder Singh has given us a complaint. We are asking answers to the police. Why was our tent removed from there and why was our langar stopped? What you all want is the clarification from the police. Yeah. Over the reason behind the stopping of the langar. Stopping of the langar. This is what we are asking for. We don't have any problem with the cardinal. We don't have any problem with the police also. We don't have problem with the BJP government also, because we didn't have problem on 27th November. But suddenly on 3rd, they are making this kind of statement by removing our camp from there. And letting us wonder like what happened. We didn't know what people were doing to us. I think the manner in which it was stopped, the whole controversy has built up on that, the manner in which it was stopped. Now, je bhashen amka yon te bond karung lagle pe te tacher ek odlo ek prashna asa kidak lagon bond kelele asa tar tare tare je reasons bahar kadlele asa amka te clarification jay ki baba kone complain kela kone instigate kela the administration whether it was the police whether it was the authorities, who has instigated that? Now, initially we were told it is the FDA.
Then they went on giving us various other reasons. Now, if FDA had a problem, they should have come to the site. No, they should have come to the site and told us. Officials should have come and said, Baba, where is your license and all that kind of thing. There was no presence of any official of any administration over there to tell us. We were just told, please stop because this is the reason. This could be the reason. So, we want the clarification because we want to put an end to this whole controversy as to where it all started and how it all started. Okay, let me add, as I was the main one to go to the PI and ask for the permission. In fact, the PI was so generous that he gave us a place that he said, y'all can run the police canteen, which will be at the side, your own stall will be. So I thought of it that the police canteen also, they are going to earn something on that, and we giving free will become a big problem to them, and it was a commercial place. So we didn't want other vendors also to suffer. So I only have told PIC if there is a land where we can do it all of our own, like separately. So the PI said you can go to the parking lot. Now the parking lot is 500 meters away from the basilica. So I feel that no vendor should be in trouble for their business, because only the people who have parked the cars in the parking lot will be coming there, and the beggars. And why I have chosen that place was because the beggars, they would have made a big crowd over there would be a big problem over there. So that is why we landed to the parking place. So I don't think why there should be an objection when there is such a nice thing going on there, a service. During COVID time, this FDA and the so-called government officials, they were sleeping. At that time, these are the people who were rendered the help, not only with cooked food, with rations. I took rations from them and I supplied the whole of my village. That time, where the FDA was there, where the officials were there, where the government was there. This is only the pressure to just communalize the thing, to just divide us. They don't want us to live in a happy thing with all the religions. I condemn this act of the government, whatever they have done, without any notice. No FDA officials were there. How many FDA licenses are taken? I put an RTO now in old Goa, Panchayat, as well as in the police station. I want to know how many FDA licenses were issued for all the jobs. Gambling is permitted, but this service is not permitted. On what basis? Why is this injustice to us? Every time we are crying for justice, but we are not given justice. I would ask the government to specify why they had stopped this longer. It was not affecting anyone. It was not affecting any businessman, because we were in the parking lot, which is 500 meters away from the basilica and the professional vendors who were there. So I please take this step as soon as possible, and we want the clarification as to why this London was stopped. Thank you. गोवा सिक्योरिटी जो है, गोवा सिक्योरिटी क्या है, फर्स्ट टाइम नहीं आया कि फर्स्ट टाइम अभी उन्होंने लगाया. कोविड टाइम में एकदम एक्टिव हुआ था हमारा टीम, और कोविड टाइम से हम लोग तरह तरह के जहां भी कभी प्रॉब्लम आता है या कुछ भी होता है. इस बार हमारे जो कैथलिक भाई थे, उन्होंने हमको बोला कि आप हमारे साथ टुगेदर आइए, क्योंकि बाहर स्टेट से भी यहां क्या है, जो फेस्ट रहता है वहां ओनली गोवा से लोग नहीं आते, बाहर स्टेट से भी लोग आते हैं. और वो क्या है, कोई रात से चल के आता है या कोई सुबह आता है, तो मे बी उनको भी खाने का कुछ प्रॉब्लम हो सकता. तो उस हिसाब से उन्होंने हमको सपोर्ट किया, और हमने उनके साथ मिलकर एक लंगर लगाया था. और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ गोवा में कि हमने ये लंगर लगाया था. तो फर्स्ट डे जो 27 को लगाया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. लेकिन ये 3rd of December ये PI ने आके बोला कि हमको ऊपर से प्रेशर आया है. और प्रेशर किसका प्रेशर है, हम लोग यही क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि किसका ऊपर से प्रेशर आया कि वो लंगर, हमारे गुरु नानक देव जी का लंगर बंद कराया. और हम ना तो वहाँ पे अपना कुछ मकसद से गए थे, ना कुछ हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं था. अभी हमारा फेस्टिवल होता है, तो फेस्टिवल पे अभी हमारे जो धर्म के गुरुद्वारे, हर धर्म के आते हैं, तो हमारे में क्या है कि कोई भगवान का कहना कि अगर तुम हमारे मेरे पास आए हो तो मेरे घर से भूखा मत जाओ, ये था. तो फिर आर्थरू सर और आना मैडम से इन्होंने भी कोविड के टाइम पर हमको बहुत हेल्प किया. आर्थरूप सर ने तो अपना पूरा घर दे दिया था, क्योंकि सेकंड वेव पे हम इनके घर पे लंगर बना के हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं.
तो इन्होंने से बात हुई, इन्होंने बोले कि हमने हम लोग हर टाइम मनाते हैं, तो इस बारी आप हम लोग के साथ मिल के फिस्ट मनाते हैं। तो हम वहाँ फिस्ट मनाने गए थे, ना तो हम कोई पॉलिटिक्स पे गए थे, ना तो कुछ थे, हम अपना सही फिस्ट मना रहे थे। सब कैथलिक भाई हमारे सब अर्द्रोतर थे। तो अभी इसमें मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को इसमें तकलीफ क्या हुई कि अचानक से आके हमारा लंगर बंद करवा दिया। बस हमको ये जानना है कि उनको वहाँ पे किसकी तकलीफ थी, या तो किसी का फूड का, या कोई किसी ने स्टॉल लगाया तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, पंचायत वालों को प्रॉब्लम हो रही है, किसको प्रॉब्लम हो रही है। बस हमको ये क्लेरिफिकेशन चाहिए कि हमारा लंगर जो तुरंत बंद करवाने का रीज़न क्या था, कि किस वजह से उन्होंने हमारा लंगर बंद करवाया। ना तो ये हम मतलब कि वहाँ बेचने तो नहीं गए थे कि हम वहाँ बिजनेस कर रहे थे, हम तो फीस मना रहे थे। जो लोग आ रहे, और ऐसा नहीं है कि जितने लोग आए वहाँ पे सब ने हमको अच्छा बोल के गए, गॉड ब्लेस यू। हम लोग तो वही कर रहे थे वहाँ, कुछ अच्छा ही काम कर रहे थे, तो गलत नहीं कर रहे। देखिए अगर गलत कर रहे या किसी को तकलीफ हुआ तो भाई वो चीज़ का हमको क्लेरिफिकेशन चाहिए कि इस वजह से आपका हमने लंगर बंद कर लिया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में, अगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पे ये हुआ कि वहाँ पे लंगर लगाया, और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये भी हुआ कि हमारा लंगर बंद हुआ है। आज तक कहीं भी लंगर बंद नहीं हुआ जो हमारा यहाँ पे हुआ। अभी किसको किसका प्रेशर गया, किस वजह से गया वो पता नहीं, हमको उसका क्लियरिफिकेशन चाहिए। सर आप बताएंगे हरविंदर सिंह को नहीं करके, वो हमारे गुरुद्वारे का वो है प्रेसिडेंट, तो वहाँ से कुछ आपको ये नहीं आया था, कुछ उनकी परमिशन लिए थे आपने? इसमें गुरुद्वारे का हाथ नहीं है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आपने उनसे परमिशन लिया था क्या, ये पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक क्लियर कर रहा हूँ कि लंगर की जो पर्दा है वो मतलब कि किसी का परमिशन नहीं है। ये लंगर हमारे गुरु का देन है, गुरु सबका है, मतलब गॉड सबका है। खाली गॉड आपका नहीं है, मेरा नहीं, कि इनका नहीं है, गॉड सबका है। बाबा हमारा, बाबे गुरु नानक देव जी ने लंगर चालू किया, तो हम उनकी उनका देख के हम आगे लंगर लगा रहे हैं। चलो ठीक है, ये चीज़ आज इनको इशू हुआ, जब भी कोविड के टाइम पे कोई आगे एनजीओ नहीं, कोई लंगर नहीं लगा रहा, हमने लंगर, तब इशू क्यों नहीं आया? सबसे पहले लंगर का परमिशन ऐसा कोई लॉ में है ही नहीं है कि लंगर का परमिशन लेके वहाँ पे लगाने का। हाँ परमिशन उनका है कि जिसकी प्रॉपर्टी पे लगा रहे उनसे परमिशन लेना, और लंगर किधर, अगर आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे खाली पड़ी, हम हमको लंगर लगाना है तो आप परमिशन दे सकते, बस ये परमिशन है। लंगर हम किसी के क्या गुरुद्वारे से या किसी मतलब गुरुद्वारे के प्रधान से या कमेटी से परमिशन का कोई है नहीं कि उनसे परमिशन लेके लगाना है। जो लंगर वर्ड है ना, लंगर वर्ड मैनेजमेंट कमेटी का नहीं है, ये तो पहले से लंगर का मतलब है। जब भी आप किसी को भूखे प्यासे को कुछ खाने के लिए जहाँ पे पेट भरने के लिए, वही लंगर है। लंगर के लिए परमिशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। बाकी मैनेजमेंट उस लंगर, आपके पास पैसा है, आपके पास कुछ है, आप देने के काबिल हो, आप क्या करते हैं, आप 10 बोतल पानी के लिए किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप परमिशन थोड़ी लोगे। लंगर का ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट कमेटी से या किसी लोगों से, हाँ उनके अंदर में जलसी फैक्ट हो सकता है कि ये हो रहा है। हम तो अपना देखो, हमारे 25-30 लोग हैं, जूथ है, और जीएमसी में सबसे पहले गाड़ी लेके घुसने वाले, फूड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हमारी गोवा सिख यूथ टीम, और तब लोगों को पता नहीं था कि फ्री में लंगर भी हो सकता है, लोग फ्री में दे भी सकते हैं। तो हमारे को उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम आई थी ना, कि हमारे को परमिशन नहीं मिली थी, पर हमने ज़बरदस्ती उधर किया, बाद में धीरे धीरे लोग जुड़े, बाद में लोगों को सोशल मीडिया का सपोर्ट मिला, तो हमारा कंटिन्यू चलता रहा। Saying that we Goans are all the same, we don't have any religion, caste, creed or color. In Goa, we live peacefully, and that is what we want to do. We want to live a very peaceful life over here, because Goa has given us a very comfortable lifestyle. And I thank the Goans for supporting us during all the time during COVID, even now, and we will keep on doing this good work of Guru Nanak Dev Ji, and we will not stop it, even if anybody tries to, you know, shun us down or shut us down, we will still fight and we will keep the good work going up. हमारा तो यही प्लान चल रहा था कि हम हॉस्पिटलों में फ्री मतलब कंटिन्यू करें, ये हॉस्पिटल में जिसका खाना नहीं मिलता ना जिसको, तो हमारा यही प्लान था कि हम लोग कंटिन्यू कुछ सपोर्ट लोगों की, ऐसा मिलेगा सपोर्ट मिलेगा कंटिन्यू हम कर सकते हैं।
तो हमारा ये भी प्लान था आगे। बाकी हमारे को गवर्नमेंट से, पुलिस प्रशासन से, लोगों से यही मतलब हमारी मांग है कि हमारे को एक मतलब पता तो लगे ना किस रीजन से बात किया, कोई रिटर्न आए हमारे पास किस रीजन से, कोई रिटर्न दिया जाए ताकि लोगों को हम बता सकें हमारा इस कारण से लंगर बंद किया। कोई रीजन ही नहीं है, हमारे को कॉल आ रहा है कंटिन्यू, सब लोग अपने आप पे बोले हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, पंचायत बोल रही है हमने नहीं किया, MLA बोल रहे, पर किया किसने, वही हमारे को नाम चाहिए कि क्यों रीजन, बस यही हमारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का यही हमारा मकसद था कि हमारे को रीजन तो दिया जाए क्यों बंद किया। नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ पे ध्यान रखेंगे ना, अगर हमारे को रीजन दिया जाए आपका ये नहीं था, नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे, अगर परमिशन चाहिए तो नेक्स्ट टाइम हम डॉक्यूमेंट को पूरा करेंगे नेक्स्ट टाइम, हमारे को वही है बस, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना। थैंक यू सर, आप लोग आए सर, एक फोटो ले रहा है थोड़ा पीछे।